हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं 2024 के उन 10 ड्रामों की जो इस साल के ट्रेंडिंग ड्रामास में हैं। कुछ ड्रामे तो अभी हाल ही में ख़त्म हुए हैं और कुछ अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ये 10 ड्रामे अभी तक के इस साल के बेस्ट ड्रामे हैं। नंबर 10 पर रद्द ड्रामा है। ये ड्रामा ARY डिजिटल पर दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे में शहरयार मुनव्वर, हिबा बुखारी और अरसलान नसीर मेन रोल में हैं। अभी तक इस ड्रामे की 13 एपिसोड ही दिखाई गई है, जिसमें ये दिखाया गया कि ईमान की शादी जैन से होने वाली थी, लेकिन जैन की माँ इस शादी के खिलाफ थी, जो दहेज में एक्स्ट्रा पैसा मांगेगी और ये बात ईमान को पता चल जाएगी, जिसकी वजह से ईमान खुद इस शादी से मना कर देगी। वहीं आगे के एपिसोड में सलार और ईमान की शादी दिखाई जाएगी। सलार ईमान से मोहब्बत तो करता है, लेकिन कभी उससे कहता नहीं है। स्टोरी अच्छी चल रही है इस ड्रामे की और लोगों को ये ड्रामा पसंद भी आ रहा है। नंबर 9 पर शिद्दत ड्रामा है। ये ड्रामा JioTV पर दिखाया जा रहा है। मुनीब भट्ट और अनमोल बलोच मेन रोल में है। असरा जो अमीर घर की लड़की है, लेकिन उसे सुल्तान से मोहब्बत हो जाएगी और वो अपने घर वालों को मनाकर सुल्तान से शादी कर लेगी, लेकिन सुल्तान एक अच्छा इंसान नहीं है। वो और भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, असरा को नीचा गिराने की कोशिश में लगा रहता है। असरा के जैसे और भी लड़कियां हैं जो सुल्तान की शख्सियत देखकर उसकी दीवानी हो जाती हैं, लेकिन ये इंसान बहुत बुरा है जो अपनी बीवी को इज्जत नहीं देता और उसे टॉर्चर भी करता रहता है। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस ड्रामे की और लोगों द्वारा ये ड्रामा भी बहुत पसंद किया जा रहा है। 8 नंबर पर जर्द पत्तों का बन ड्रामा है। इस ड्रामे की अभी 2 ही एपिसोड आई है, लेकिन ये ड्रामा बहुत पसंद किया जा रहा है। इस ड्रामे में पहली बार सजल अली और हमजा सोहेल एक साथ दिखाई दे रहे हैं। गांव की स्टोरी दिखाई जा रही है। सजल गांव की लड़की है जो कई साल से फेल हो रही है, लेकिन इस साल वो मैट्रिक के एग्ज़ाम में जिला में टॉप करती है और पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बनना चाहती है और अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन उसके चारों भाई उसके पढ़ाई के खिलाफ हैं। वहीं दूसरी ओर हमजा एक डॉक्टर है। आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किसी प्रॉब्लम की वजह से हमजा गांव के हॉस्पिटल में डॉक्टर की पद पर ज्वाइन करेगा। सजल और हमजा मिलकर इस गांव की अच्छाई के लिए काम करते दिखेंगे। इस ड्रामे के जरिए कुछ अलग देखने को मिलेगा। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे के एपिसोड में ये ड्रामा भी काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। नंबर 7 पर राह जुनून ड्रामा है। इस हफ्ते इसका लास्ट एपिसोड दिखाया जाएगा। ये एक लव स्टोरी ड्रामा है जिसमें दानिश तैमूर और कोमल मीर मेन रोल में हैं। वैसे भी दानिश का ड्रामा लव स्टोरी बेस ही होता है। दानिश कोमल से प्यार करता है, लेकिन कोमल की शादी किसी और से हो जाती है, फिर कोमल की तलाक हो जाती है, उसके बाद दानिश उससे शादी कर लेता है। लेकिन अब तक हालात इतने बदल चुके होते हैं कि जो कोमल दानिश से प्यार करती है अब उससे नफरत करने लगती है, लेकिन दानिश अपने प्यार से फिर से उसका दिल जीत लेता है। लास्ट में दिखाया गया कि कोमल से एक खून हो जाता है, लेकिन दानिश उस इल्ज़ाम को अपने ऊपर ले लेता है। लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इस केस से दानिश बच जाएगा। फिलहाल स्टोरी में कुछ खास नहीं था, लेकिन ये दानिश का ड्रामा था, इसलिए लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। 6 नंबर पर जाने जहां ड्रामा है। इस ड्रामे में आयजा खान और हमजा अली अब्बासी मेन रोल में हैं। ये दोनों का इससे पहले प्यारे अफजल ड्रामा आया था, जो सुपर डुपर हिट ड्रामा था। इस जोड़ी को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। फिलहाल इस ड्रामे की स्टोरी कोई खास नहीं थी, लेकिन इन दोनों की जोड़ी की वजह से ये ड्रामा भी काफ़ी पसंद किया गया है। लास्ट एपिसोड इस ड्रामे की अगले हफ्ते में दिखाई जाएगी। हमजा अली और उसके सौतेले भाइयों और सौतेली माँ के बीच की दुश्मनी दिखाई गई है और दूसरी तरफ हमजा और आयजा की लव स्टोरी दिखाई गई है। 5 नंबर पर जेंटलमैन ड्रामा है। ये ड्रामा ग्रीन इंटरटेनमेंट पर स्टार्ट हुआ है। इस ड्रामे की केवल 2 ही एपिसोड ही आई है, लेकिन ये ड्रामा सभी को पसंद आ रहा है, क्योंकि सास बहू के रोने धोने वाले ड्रामों से हटकर इसकी स्टोरी दिखलाई गई है। गुंडों की गैंग और आम लोगों की ज़िंदगी पर यह ड्रामा दिखाया जा रहा है, जहां एक गुंडे को जर्नलिस्ट से प्यार हो जाता है और उसके लिए वो सब कुछ छोड़कर एक शरीफों की ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन गुंडागर्दी की लाइन आसानी से नहीं छोड़ी जा सकती। यही सब इस ड्रामे में दिखाया जाएगा।
फिलहाल इस टाइप की बॉलीवुड मूवी हम लोगों ने बहुत देख रखी है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में इस ड्रामे के थ्रू कुछ अलग स्टोरी लाई गई है जो लोगों को पसंद आ रही है। नंबर 4 पर खुमार ड्रामा है। ये ड्रामा जियो टीवी पर दिखाया गया है। इस ड्रामे में फिरोज़ खान और नीलम मुनीर मेन रोल में थे। इनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया। इस ड्रामे में दौलत का खुमार दिखाया गया है। फिरोज़ एक अमीर घर का लड़का है जो अपने दोस्त की बहन से शादी करता है, लेकिन नीलम एक मिडिल क्लास फैमिली से होती है जिसे फिरोज़ की माँ मजबूरी में घर में रख लेती है, लेकिन नीलम के करैक्टर को ख़राब दिखाकर उसे अपने बेटे से अलग कर देती है। जिस दौलत की वजह से वो ये सब करती है, एक दिन सारी दौलत उन लोगों से छीन जाती है, लेकिन उस औरत को ये नहीं समझ आता कि यह दौलत उस गरीब लड़की के आंसुओं की वजह से गई है जिसने बद्दुआ तो नहीं दी लेकिन अल्लाह ने इंसाफ दिखाया। ये ड्रामा भी लोगों को काफ़ी पसंद आया। 3rd नंबर पर जानिसार ड्रामा है। इस ड्रामे की 6 एपिसोड दिखाई गई है। इस ड्रामे में दानिश तैमूर और हिबा बुखारी मेन रोल में हैं। इनकी जोड़ी को दीवानगी में भी बहुत पसंद किया गया था, इसलिए सभी को इस ड्रामे का बहुत इंतज़ार था। फिलहाल स्टार्टिंग काफ़ी स्लो थी इस ड्रामे की, लेकिन नेक्स्ट वीक से काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ड्रामा। दानिश के हर ड्रामे की तरह ये भी ड्रामा लव स्टोरी ड्रामा है, लेकिन अभी तक इस ड्रामे में दानिश और हिबा की लव स्टोरी नहीं दिखाई गई है। आगे की स्टोरी उम्मीद की जा रही है कि बहुत अच्छी होगी। 2nd नंबर पर खई ड्रामा है। ये ड्रामा इस साल के बेस्ट ड्रामों में से एक था। इस ड्रामे की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। फैसल कुरैशी और दूरे फिशा मेन रोल में हैं। दो खानदानों की पुरानी दुश्मनी दिखाई गई है जहां चिनार जामदा के बाप और भाई को मार देता है और जामदा को उठाकर अपने घर ले आता है, ज़बरदस्ती उससे शादी करता है। जामदा बहुत रोती चिल्लाती है, लेकिन इन लोगों से उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। जामदा को इस हालात में भी एक बहुत मजबूत औरत के किरदार में दिखाया गया है जो बहुत पसंद आया लोगों को। जामदा इन लोगों के साथ रहते हुए अपने बाप भाई का बदला लेती है, चिनार के पूरे ख़ानदान को ख़त्म करके लास्ट में चिनार को भी मार देती है। अगर ये ड्रामा अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर। 1st नंबर पर इश्क मुर्शिद ड्रामा है। ये 2024 का अभी तक का बेस्ट ड्रामा है। इस ड्रामे के मेन रोल में बिलाल अब्बास खान और दूरे फिशा हैं। इस ड्रामे को इतना पसंद किया गया कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस ड्रामे ने, और इस ड्रामे की ओएसटी भी काफ़ी पसंद की जा रही है। शामिर और फजल बख्श की एक्टिंग बिलाल अब्बास ने काफ़ी अच्छी की है, और फजल बख्श शिब्रा की लव स्टोरी भी काफ़ी अच्छी दिखाई गई है। इस ड्रामे में कॉमेडी, लव स्टोरी सब कुछ देखने को मिलेगा, तो जो लोग ये ड्रामा नहीं देखे हैं अभी तक तो अब देखना स्टार्ट कर दीजिए। ये थे वो 10 ड्रामे जो 2024 में काफ़ी पसंद किए गए। अगर कोई ड्रामा मेरे से मिस हो गया हो तो कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग इन 10 ड्रामों की लिस्ट कैसी लगी आप लोगों को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। इस टाइप के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।